रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को वापस स्वदेश लाने की कोशिशें भी चल रही है। इस बीच उत्तराखंड के छात्र भी वहां फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पे बात की। डोभाल ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। देश वापस लौटने के इच्छुक भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में निवासरत उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में रहने के दिशा निर्देश भी दिए। अभी हमारे पास जो आंकड़ा आया है वो 92 का आया है। 92 लोगों ने अभी तक यहाँ पर हमने जो निकाला है, लेकिन अभी आंकड़ा ज़्यादा है वो, लेकिन जो हमारे पास अभी जो एक सूचना आई है आधिकारिक रूप से वो इतने ही लोगों की आई है। अभी आंकड़ा बढ़ रहा है, जब से हमने ये जो अपना टोल फ्री नंबर जारी किया उस पर लोग बता रहे हैं। नहीं, हम उनके लिए लगे हुए हैं और सभी के लिए, हम विदेश मंत्रालय है हमारा, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी का कार्यालय है या वो है, सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयास हमारा रहेगा कि सब।